ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, कि मतलब जिन लोगों को ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं बनानी आती आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें कि वो भी ये बना ले पाए, टेस्टी बने, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये रेसिपी, आप सबको ये वीडियो को फॉरवर्ड करें, जिन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट के बारे में पता नहीं है उनको पता चल सके, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सब लोग अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए ये बना सकते हैं। क्योंकि सारे डॉक्टर अभी यही कह रहे हैं कि हाई प्रोटीन डाइट आपको खानी है, और लोगों को नहीं पता है कि हाई प्रोटीन डाइट है क्या। तो मैंने स्पेशली आज ये हाई प्रोटीन डाइट बनाई है, बहुत ही नॉर्मल चीजों से, और जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन पाया जाता है वही रेसिपी मैंने आप बनाई है, और इसको खाने में भी बहुत मजा आएगा, क्रूप क्रूप लगेगा, और बच्चे भी बड़े चाव के साथ इसको खाएंगे। और हाय डैडी, व्हाट आर यू गोइंग टू मेक टुडे? सोया चना जगाए प्रोटीन। सोया चना जगाए प्रोटीन, हाँ क्या बोला है ना दोस्तों। राज के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन डिश रेसिपी, सोया चना जगाए प्रोटीन। दोस्तों पूरी वीडियो देखें, बहुत आसान रेसिपी है, और आज हम आपको बताएंगे हाई प्रोटीन रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर लोग टीवी में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है अपने लंग्स को या कोविड को फाइट करने के लिए। क्या करना है हमें? हाई प्रोटीन। वो कह रहे हैं अपने बच्चों को भी हाई प्रोटीन डाइट खानी है, लेकिन खाए तो खाए क्या? अब वो कह रहे हैं कि आप पनीर खाओ, पनीर है 300-350 रुपए किलो, एक बंदा एक गरीब आदमी कहाँ से इतना खाएगा 350 रुपए किलो पनीर, आओ कैसे खाएगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही हाई प्रोटीन डिश, बहुत ही हाई प्रोटीन जिसमें है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप अपने बच्चों के लिए उसको आप अपने घर में जरूर बनाइए, और उनके रोज के उसमें इसको आप ऐड करिए। बहुत ही सस्ता आइटम है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आसानी से आप इसको अपने इम्यून को क्या कर सकते हैं, बूस्टअप अपने इम्यून को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैन आई एक्सप्लेन? यहाँ पर हमारे दोस्तों, यहाँ पर ये हमने क्या रखे हैं, रॉ पीनट, कच्ची मूंगफली यहाँ पर हमारे पास है, और ये हमने ये शोक भिगाए हुए हॉर्स ग्राम इसको बोलते हैं, चने, काले चने हमने यहाँ भिगा के रखे हैं, और ये सोयाबीन है, ये सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, और उसके बाद चने में पाई जाती है, और मूंगफली में पाई जाती है। अब लोग पूछते हैं हाई प्रोटीन, लेकिन दोस्तों कई लोगों को पता नहीं है कि प्रोटीन को बोलते क्या है हिंदी में। आप उसको गूगल सर्च करेंगे तो मांस जातीय खाद्य पदार्थ जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोटीन पाया जाता है। अभी कुछ डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि आप अंडे खाइए, है ना, और रोज अंडे खाइए, बच्चों को भी रोज अंडे खिलाइए। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बहुत आसान रेसिपी बना रहे हैं हाई प्रोटीन डाइट आपके बच्चों के लिए, कोविड के दौरान जो उनको प्रोटेक्ट करेगा, हेल्थी उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट कुकिंग। जैसे हमने इसमें डाल दिया है तेल, और साथ साथ आपको इसमें डालना है ये चने, काले चने, काले चने चौक भीगे हुए चने, और इसमें आप डाल दें ये सोया न्यूट्रिला। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सोया चना, और इसमें हम डालेंगे नमक, हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, अगर आपके बच्चे थोड़ा चटपटा खाते हैं तो आप थोड़ी हरी मिर्च उसमें डाल सकते हैं बारीक कटी हुई, आप ध्यान में रखें कि ये ज्यादा तेज ना हो, राइट, ये इस तरह से। सोया चना जगाए प्रोटीन, बार जो खाए खाता रह जाए। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। हमने इससे पहले भी हाई प्रोटीन डाइट वीडियो बनाई है,
कुरकुरे चिकन। और यदि आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। सजेशन और एंड बॉक्स में आप जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने ये बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट बनाई है, चिकन कुरकुरे। अगर आज यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप सजेशन में ऊपर देख सकते हैं और एंड बॉक्स में भी आपको नोटिशन में वो मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देखिए। वो भी बहुत आसान रेसिपी है बच्चों के लिए, उसको भी आप बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये हमारा बहुत ही डिलीशियस बन रहा है, वाओ। अभी इसमें थोड़ा इसको हम सिम में थोड़ा पकाएंगे, क्योंकि ये जो आइटम है दोस्तों ये कच्चे खाने वाले आइटम है। आप कच्चे चने भी कच्चे खा सकते हैं, सोयाबीन तो बहुत जल्दी पक जाती है क्योंकि ये बहुत बारीक होती है, इसको भी आप जल्दी खा सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हम चने को थोड़ा अंदर तक थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए इसको सिम में थोड़ी देर हम पकाएंगे, विद कवर कर लेंगे इसको। दोस्तों, ये हमारे चने और सोयाबीन ना एकदम बिल्कुल करारे हो चुके हैं, एकदम कुरकुरे हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये वहां पर, अब इसमें हम डालेंगे ये कच्चे पीनट। थोड़ी देर हम इसमें मूंगफली को भी थोड़ा करारे होने देंगे, क्योंकि मूंगफली में ज्यादा टाइम नहीं लगा करारे होने में। चने हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और जो सोयाबीन है वो बिल्कुल पक चुकी है, और थोड़ा सा ट्विस्ट देके हम इसमें वो करेंगे। आप इसको दोस्तों स्नैक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, आपके बच्चे तो इसको बड़े ही चाव से खाएंगे। एक बार बनाइए और खुद भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए, और जिनको नहीं पता है आप ये वीडियो जरूर शेयर करें और लोगों को बताएं हाई प्रोटीन डाइट आप घर में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ये हमारा हाई प्रोटीन डाइट एकदम रेडी हो गया है, ठीक है। और अब इसको हम चटपटा बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन, नींबू, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे स्वाद को चेंज करने के लिए ये काला नमक। इसमें हम डालेंगे ये प्याज। सारा मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे। हमारा एकदम कुरकुरे हाई प्रोटीन डाइट सोया चना रेडी हो गया है। आप देखिए क्या लाजवाब लग रहा है। तो अपने कैमरामैन को भी टेस्ट कराएंगे, कम ऑन। बहुत क्रिस्पी है ये, बहुत ज्यादा चटपटा हो रहा है ये। थोड़ा नींबू का टेस्ट आ रहा है, थोड़ा चाट मसाला का टेस्ट आ रहा है, प्याज का टेस्ट आ रहा है, हर चीज का टेस्ट आ रहा है इसमें, बहुत टेस्ट। और ये टेस्टी बने, आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा तीखा है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, कि मतलब जिन लोगों को ये हाई प्रोटीन डाइट नहीं बनानी आती आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें कि वो भी ये बना ले पाए, क्योंकि ये जो सामान है ये बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और जो ये डिश है बहुत ज्यादा इजी और जल्दी बन सकती है। प्रोटीन के बारे में, सोया चंक और चिकन कुरकुरे के बारे में, तो वो आपको ऊपर सजेशंस में मिल जाएगी और हमारे एंड बॉक्स में भी मिल जाएगी और हमारे चैनल में जाके भी आप उन्हें देख सकते हैं। एकदम लाजवाब, एकदम क्रिस्पी और बिल्कुल बढ़िया। आप इसको स्नैक्स के साथ यूज करें, शाम के साथ नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ आप बना सकते हैं, कभी बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप यू गाइज एंजॉय आवर शो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू हियर।